हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं सिखाने वाला हूं बच्चों के 3 बेसिक डांस स्टेप, ऐसे स्टेप कि आप अपने बच्चों को किसी भी सॉन्ग पर डांस करा सकते हैं सिखाने के बाद, और किसी भी शादी पार्टी पर वो डांस कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ हैं डांस ट्यूटोरियल में महिमा, हेलो बोलो बेटा, और चीकू, हेलो बोलो। तो आज ये लोग मेरी थोड़ा हेल्प करेंगे और आप लोगों को भी सिखाएंगे मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 3 बेसिक डांस स्टेप। सबसे पहले जो स्टेप करना है वो हम चलो सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमें हैंड चलाने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब डाउन करना है पहले, फिर अप करना है, फिर डाउन करना है, फिर अप करना है, और हमें पैर को करना है टेप। टेप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 इसको कैसे करना है? नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ठीक है। और सेम कंडीशन में हमें चलाने हैं, तो ऐसे 1 2 3 4। अब हमें ये 3 बार करना है, इसके बाद हमें टेप करना है। तो करना है 1 2 3 4, ओके। इसके बाद जैसे हमने राइट साइड किया सेम बिल्कुल हमें लेफ्ट साइड करना है। तो करना है 1 2 3 4, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक बार और करके बता देता हूं। तो करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो फ्रेंड आप लोगों को पहला स्टेप क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप भी बहुत इजी है, वो भी आपको अच्छे से सीखना है स्टेप बाय स्टेप। तो दूसरे स्टेप में हमें सबसे पहले क्या करना है, बॉडी को बाउंस करना है। 1 2 3 4 बाउंस किया, साथ में सर चलाना है। 1 2 3 बाउंस करते जाएंगे और सर चलाते जाएंगे। 1 2 3 4 और हमें थोड़ा सा डाउन हो जाना है, ठीक है। इसके बाद हमें हैंड रोल करते हुए राइट से लेफ्ट जाना है, फिर क्लैप करना है 3 बार, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट से राइट 1 2 3 4, जैसे कि मैंने बताया बाउंस करना है और साथ में सर चलाना है और राउंड राउंड करते हैं हैंड को ले जाना है लेफ्ट साइड। तो करना है 1 2 3 4, फिर इसके बाद 5 6 7 8। तो आप लोगों को दूसरा स्टेप भी समझ में आ गया होगा, एक बार और करके दिखा देता हूं। तो कैसे करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरे स्टेप और फर्स्ट स्टेप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप कैसे करना है वो भी बहुत सिंपल है, अच्छे से सीखना बिना वीडियो स्किप किए, ठीक है। तो सबसे पहले तीसरा स्टेप सीखने के लिए राइट पैर को बाहर ले जाएंगे, इसके बाद लेफ्ट को अपने पास लाएंगे, लेफ्ट को अपने बाहर ले जाएंगे, फिर लेफ्ट को पास लाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, राइट को बाहर ले जाएंगे, लेफ्ट को पास लाएंगे, ठीक है। लेफ्ट को बाहर ले जाएंगे, राइट को पास लाएंगे। इसमें थोड़ा सा बाउंस मिक्स करेंगे। 1 2 बाउंस कैसे करना है? बैक को बाउंस करना है। 1 2, ठीक है। तो बैक को बाउंस करना है, इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6, सेम इसी तरह हमें बाउंस करना है। अब हमें साथ साथ में हैंड को चलाते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिल्कुल नहीं रुकना है, बस पैर को अपनी पोजीशन में चलाना है और हैंड को अपनी पोजीशन में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक बार फिर से देख लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप लोगों को तीसरा स्टेप भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लो। जैसे कि मैंने बताया राइट को बाहर ले जाना है, लेफ्ट को पास लाना है, लेफ्ट को बाहर ले जाना है, राइट को पास लाना है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा बाउंस मिक्स करना है, बाउंस बाउंस बाउंस, बैक बाउंस करनी है। कैसे? ये बाउंस, ठीक है। 1 2 3 4, ये बाउंस होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हैंड को अपनी पोजीशन में चलाते ही जाना है। तो एक बार फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड आप लोगों को तीनों स्टेप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, और मिलते हैं किसी और डांस ट्यूटोरियल वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।